हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम फीमेल फील्ड मेडलिस्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फो लेंगे। सो बिफोर गोइंग अहेड, क्विकली रिकैप कर लेते हैं फील्ड मेडल के। आप सभी को पता ही रहेगा, तो ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। मैथमेटिशियंस को नोबल प्राइज़ नहीं मिलता, लेकिन फील्ड्स मेडल को उसके इक्विवेलेंट ही माना जाता है। ठीक, तो अवार्डेड टू मैथमेटिशियंस अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज। तो यंग मैथमेटिशियंस को उनके रिसर्च के लिए ऑनर्ड करने के लिए एंड इनक्रेज करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। एंड दिस इवेंट टेक्स प्लेस एवरी 4 ईयर्स, तो 4 साल के बाद ये इवेंट होता है। एंड वहाँ पे 2, 3 या 4 मैथमेटिशियंस को ये अवार्ड दिया जाता है। सो अभी तक 2 ही फीमेल मैथमेटिशियंस को ये अवार्ड अभी तक अवार्ड किया गया है। एंड फर्स्ट वॉज मरियम मिर्ज़ाखानी। सो शी वॉज ईरानियन मैथमेटिशियन गाइज, एंड उनको ये अवार्ड मिला था 2014 में। ठीक, एट द एज ऑफ 37 उनको ये अवार्ड मिला था। एंड किसके लिए था, तो इट वाज रिगार्डिंग हर वर्क इन द फील्ड ऑफ डायनामिक्स एंड ज्योमेट्री ऑफ रीमान सरफेसेस एंड देयर मॉडुलस स्पेसेस। तो एक्चुअली इनका वर्क लाइक बहुत ही एडवांस रहता है। इट्स नॉट ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दे हैव सॉल्व, फॉरगेट अबाउट द सॉल्यूशंस एंड सो ऑन सो, बट स्टिल हमें एक आइडिया आ जाता है कि इतना डाइवर्स हमारा फील्ड है एंड आगे जाके एडवांस मैथमेटिक्स में इतने अलग अलग एरियाज़ वगैरह है। इनका देहांत बहुत जल्दी हुआ था, एट द एज ऑफ 40 शी डाइड, बट शी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल फिगर इन अवर मैथमेटिक्स फील्ड। एंड द सेकेंड फीमेल मैथमेटिशियन जिनको फील्ड मेडल्स मिला था, हर नेम इज़ मैरिना वेज़ोवस्का। ही इज़ यूक्रेनियन मैथमेटिशियन गाइस, एंड रिसेंटली ही उनको ये अवार्ड मिला है 2022 में। एंड द अवार्ड वॉज अवार्डेड फॉर हर वर्क इन द एरिया ऑफ स्फीयर पैकिंग। तो आप थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इस फील्ड या फिर इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप थोड़ी सी इन्फो लेंगे, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, स्फीयर पैकिंग प्रॉब्लम इन डिमेंशन 8, जो फर्दर जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स थे उनके सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए काम आया था। ठीक, सो दिस इज़ द लिस्ट टिल डेट of female field medalist. I hope the video was helpful. Thank you, bye, and happy learning to everyone.